गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने चल रहे हैं पनीर यखनी। पनीर यखनी जो सफ़ेद ग्रेवी के साथ बनाई जाती है, इसमें हम लहसुन, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रेवी बिल्कुल सफ़ेद होती है। लाल मिर्च पाउडर या हल्दी डालने से इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये नवाबी स्टाइल में बनाई जाती है, तो ये देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, एकदम सफ़ेद दिखनी चाहिए, इसलिए हम इसमें रेड चिली या फिर टर्मरिक पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये है 2 प्याज, मैंने जिनका बारीक पेस्ट बना लिया है, और ये केसर के कुछ धागे हैं, इन्हें हमने भिगा लिया है। ये फाइन चापकी हुई अदरक मिर्च है, 2 तेज़पत्ता है, आधा छोटा चम्मच जीरा, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची, 200 ग्राम के करीब हमने ताजी पनीर ले ली है। पनीर को हमने घर पे ही बनाया था, आप चाहे तो घर पे बना लें या फिर मार्केट से भी ले लें। और काजू बादाम और पोस्ते का ये पेस्ट हमने बना लिया है। तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन रख दिया है, अब इसमें आप चाहे तो आयल में बनाएं या फिर घी में बनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, इलायची और लौंग, और ये तेज़पत्ता भी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे फाइन चॉपी हुई अदरक लहसुन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज के पेस्ट को हम इसका पानी सूखने तक इसे हमें पका लेना है। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारी पक गई है, अब हम इसमें डालेंगे काजू बादाम और पोस्ते का पेस्ट। अब हम इसको पका लेंगे थोड़ी देर। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये हमारा काजू भी इसमें बढ़िया से पक गया है। 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ताज़ा फेंटा हुआ दही। दही डालने के बाद इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम इन्हें पका लेंगे 1 मिनट के करीब। ये ध्यान रहे फ्रेंड्स, किसी भी सब्जी में जब भी आप दही को डालते हैं तो दही को डालने के बाद उसे उबाल आने तक बराबर चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाता है, तो फिर तेल अलग और दही अलग हो जाता है, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी ऐड कर दिए हैं। चीनी मसालों को बैलेंस करती है, मसालों में जो खटास या कड़वापन हो जाता है कभी कभी, वो उसको बैलेंस करती है। आधा छोटी चम्मच चीनी डालने से वो सब्ज़ी में खाते समय पता नहीं चलता मीठा है, बट वो मसालों को बैलेंस करने का काम करती है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे। पनीर को वैसे तो हमने फ्राई नहीं किया है, चाहे आप चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप पनीर को फ्राई करें उसे गर्म पानी में रखें। और इसमें हम डाल देंगे भिगाए हुए केसर को। इसमें पानी हम डाल देंगे, केसर के धागों को भी बचा के रखेंगे, लास्ट में इससे हम गार्निशिंग करेंगे। अब हम इसे ढक के 2 मिनट पका लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें ये नमक ऐड कर देंगे और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को जब भी किसी भी सब्जी में ऐड करें तो उसे तवे पर थोड़ा सेक के क्रश करके डालें, क्योंकि वो दांत में उसके धागे फंसते हैं। क्रश करके सेक के क्रश करके डालने से ये दांतों में फंसते नहीं हैं और स्वाद इसका बहुत अच्छा लगता है।
फ्रेंड्स, हमारी पनीर यखनी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई ग्रेवी नहीं पसंद की जाती, इसलिए हमने ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखा है। आप ग्रेवी को अपने पसंद के अकॉर्डिंग पतला या गाढ़ा बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।